रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत झाड़फूंक के नाम पर एक किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो नाबालिग लड़की की बड़ी बहन लापता हो गई थी। इसी बीच पड़ोसी गांव का तांत्रिक मिल गया, जिसने झाड़फूंक के लिए पीड़िता को एक दिन पहले अपने घर बुलाया। पीड़िता को लगा झाड़फूंक के बाद बहन मिल जाएगी, ऐसे में तांत्रिक के झांसे में आ गई। घर पहुंची तो तांत्रिक बोला, जैसा मैं बोलता हूं वैसा काम करो, तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी। वहां आरोपी ने दुष्कर्म किया, जान बचाकर भागी लड़की ने परिजनों से पूरी घटना बताई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्रकरण कायम कर केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। गुड़ थाना प्रभारी निरीक्षक आराधना सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल को नाबालिग लड़की थाने रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कहा कि मेरी बहन कहीं चली गई है। तलाश करते समय आरोपी प्रदीप तिवारी पुत्र संकट मोचन तिवारी निवासी ग्राम बदवार मिला, जिसने झाड़फूंक के नाम पर किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 131-22 IPC की धारा 376 व 450 एवं पास्को एक्ट कायम किया गया है। पुलिस की माने तो पीड़िता की लापता बहन को खोजकर परिजनों को सौंप दिया गया है। दावा है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बहन को खोज निकाला है। वहीं दूसरी ओर दुष्कर्मी तांत्रिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। कोर्ट के आदेश पर झाड़फूंक करने वाले तांत्रिक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।